आप लोगों को नई वीडियो में वेलकम है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैंगो प्लांट ग्राफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए हम आपके लिए नर्सरी की न्यू वीडियो लेके आ जाते हैं हर रविवार को। तो आज हम ग्राफ्टिंग मैंगो की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ग्राफ्टिंग प्लांट है, तो इनका क्या बेनिफिट है? इनका ये है कि आप इनको अगर गमले में लगाते हैं तो ये फ्रूटिंग देंगे। आपने सही सुना, अगर आप गमले में इनको लगाते हैं तो भी ये फ्रूटिंग देंगे, क्योंकि ग्राफ्टिंग इनको की गई है। देख सकते हैं इस पर फ्लावरिंग इस समय हो रही है और कुछ ही दिनों बाद इसमें फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये प्लांट आपको किसी भी नर्सरी पे 250 से 300 रुपये तक की प्राइस में आपको मिल जाएंगे ईजिली, और देख सकते हैं। और आप एक बात का ध्यान रखें, आप किसी भी नर्सरी से अगर प्लांट लेते हैं तो ये देख के लीजिए क्या वो सच में ग्राफ्टिंग है या आपको वो फिर सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट ही अगर आपको दे देते हैं तो फिर उस पर फ्रूटिंग नहीं होगी। और या तो आप इस समय जाइए, जब मई जून का समय होता है तब आप नर्सरियों पे जाएं तो इस समय इस प्लांट पे फ्रूटिंग होती है, और या तो इस पर फ्लावरिंग हुई रहती है। तो फ्रूटिंग आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसी फ्रूटिंग रहेगी। उससे पहले आप पौधों की कंडीशन देख लीजिए, कैसे पौधे हेल्दी पौधे हैं, देख सकते हैं ग्रीन। और इस पर फ्रूटिंग कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, मैं एक मिनट कैमरे दूसरे हाथ से पकड़ के आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं। तो ये है फ्रूट इसका, देखते हैं, अभी काफ़ी छोटे साइज का है। तो इनको जब आप 24 इंच के गमले में लगाते हैं या उससे बड़े गमला आप लेते हैं 30 इंच या 24 इंच का, तो आप एक बार इस प्लांट को लगा दें तो आपको ये सालों साल फ्रूटिंग देता रहेगा। जब इसका मैंगो का टाइम आएगा तो आप अपने टेरेस पे लगे हुए खुद के उगाए हुए आमों का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और फिर इधर देखिए, इधर बोगनवेलिया है। तो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगा इसलिए, क्योंकि बहुत धूप तेज़ हो रही है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका आपके लिए अगले रविवार को लेकर आऊँगा, और हमारे घर के पास ही में ही ये नर्सरी है। तो इधर देखिए, बोगनवेलिया के प्लांट है जो कि काफ़ी बड़े साइज के हैं, देख सकते हैं। और ये 15 इंच के गमलों में लगे हुए हैं, जिनकी प्राइस 250 रुपये यहाँ रखी गई, यानी कि 250 रुपये रखी गई है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह के आप बोगनवेलिया के प्लांट भी अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। अगर आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप फ्लावरिंग प्लांट पे ध्यान दें और उनमें समय पे वाटरिंग और खाद डालें, तो आप इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं। इनकी कोई केयर नहीं होती है, जब आपको टाइम मिले तब इनमें पानी डाल दीजिए, क्योंकि बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी सूखे जगह से बिलोंग करता है, यानी कि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर इधर देखिए, इधर आप देख सकते हैं, ये है कागजी नींबू जिसे कहते हैं। ये इसमें जो इसका छिलका होता है वो काफ़ी पतले साइज पतले परत का होता है, और नींबू काफ़ी बड़े साइज का लगता है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, इसमें नींबू इन्होंने उतार लिए हैं, तो ये देख सकते हैं इस टाइप का फ्रूटिंग है। तो ये प्लांट भी आपको नर्सरी पे 150 रुपये प्लांट आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे साइज का है। तो आप इस तरह के प्लांट भी अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंटों का इंतज़ार करते हैं और उनका रिप्लाई भी आपको देते हैं। तो आप हमें कमेंट करके आपके मन में कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, नर्सरी पे अगर आप इस समय आते हैं मई जून के समय, तो आपको इसी तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे। तो इधर देखिए, लाइन से ये बोगनवेलिया है, और देखते कितने खूबसूरत खूबसूरत प्लांट है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।